there and what exactly is on their mind when they are going to cast their vote. Many of those political leaders also reacting live as we speak. Let's play out reactions. ये अपने देश का सौभाग्य है कि देश के संविधान निर्माताओं ने जनता को अपना राष्ट्र सुपुर्द किया है और जनता अपने मतदान के द्वारा अपने आने वाली सरकार का चयन करती है। आज मैंने भी, यद्यपि मैं आसाम का राज्यपाल हूँ, पर मत का उपयोग करना और मतदान करना ये मेरा दायित्व और कर्तव्य है। इसलिए मैं केवल और केवल मतदान करने के लिए आसाम से यहाँ आया हूँ और जनता से भी अपील करता हूं कि 100% मतदान करें, क्योंकि आपका मत ही भारत का भविष्य तय करेगा। और इसलिए जनता से मेरी अपील है कि 100% 100% मतदान करें, अपने अधिकार का उपयोग करें और देश निर्माण में लोकतंत्र की मर्यादाओं को आगे बढ़ाएं। बस, धन्यवाद। All right, Gajraj, we've been listening to the live reactions that are now coming in. What is the sentiment exactly when it comes to the people who are coming out to vote? It's been 2 hours now ever since the voting began this morning. See, while in the early morning, voters were seen in large numbers, but the numbers have, gone down a little bit, and people have, people reached in a large number when Rajyavardhan Singh Rathod, along with his family, was here, and he spoke to media also, where he also slammed the Congress government over the same issues that people have been raising here on women's safety and the water issues that this particular constituency has. But as we speak about the voters here, the number has, just gone down a little bit, and it is expected that people would arrive after a while. As I was telling you earlier also, as in Rajasthan, it's a huge wedding season here, and people have been traveling to different spots here, and nearly we also spoke to a few people here, and they said that they are here to cast their vote early in the morning, and they would leave the city for the occasion here. Studio. All right, Ranjita, agar hum baat kare abhi ki jo chunav ke bare mein agar hum baat kar rahe hai, to abhi bhi is tarah se dekha ja raha hai ki BJP ki taraf se jo formula मध्य प्रदेश में अप्लाई किया गया था, वही फॉर्मूला राजस्थान में भी लागू किया गया है। यानी कि जितने टॉप लीडरशिप है जो केंद्र सरकार में उनके जो पोजीशंस है उन्हें अब मैदान में उतारा गया है। बिल्कुल, देखिए ये एक बीजेपी की परंपरा रही है, मुख्यमंत्री का चेहरा वो पहले नहीं अनाउंस करती, पहले चुनाव लड़ती है और उसके बाद विधायकों से एक बैठक और उसके बाद चर्चा होती है और फैसला जो है वो विधायकों के पास होता है। कमोवेश ऐसी ही जो स्थिति है वो हमने मध्य प्रदेश में भी देखी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही था कि मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्योंकि 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी था, ये लग रहा था बीजेपी को कि सरकार को एंटी इनकम्बेंसी का खतरा है और मुख्यमंत्री का चेहरा सामने लाकर शिवराज का चेहरा लाना नुकसान करेगा। यही वजह है कि वहां भी शिवराज के नाम पर वोट नहीं मांगा गया। राजस्थान में भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन खुलकर बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उनका कहना है कि चुनाव मिलजुल कर लड़ेंगे और उसके बाद फैसला होगा। और दोनों ही राज्यों में जो सबसे दिलचस्प चीज दिखी वो ये कि कई ऐसे चेहरे जो सांसद हैं जिन्होंने केंद्र की राजनीति की है, संसद में जिन्हें हमने देखा, वो उन तमाम बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा। और ये बीजेपी की और एक ऐसे ही सांसद है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो आप झोटवाड़ा से अपना जो मैदान में उतरे, लड़ाई अपनी वहां से शुरू करी है, और थोड़ी देर पहले वो अपने परिवार समेत ही केम टू कास्ट हिज वोट। लेट्स ऑल्सो क्विकली लिसन इन टू हिज रिएक्शन। स्वार्थ की राजनीति का सबसे भद्दा उदाहरण पिछले 5 साल राजस्थान के अंदर रहा। मतलब जितना मिला था उससे खुश नहीं थे, और ज़्यादा चाहिए था। और उस स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को भी खड्डे में धकेला और राजस्थान को भी खड्डे में धकेला। ये हुआ है कांग्रेस के राज में। खैर, हमें उनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उनकी पार्टी से वैसे भी किसी को कोई उम्मीद ही नहीं है, ना दूरदृष्टि है ना कोई संकल्प है। लेकिन हमारा सारी चिंता राजस्थान की जनता के लिए थी जो 5 साल पिछड़ गई, और ख़ास तौर से युवाओं के लिए 5 साल बहुत बड़े होते हैं। और देश जब आगे बढ़ता है तो उसमें राजस्थान पीछे कैसे रह सकता है? और बिना राजस्थान के देश का जो ताज है वो अगर भद्दा हो जाए तो फिर वो, इसीलिए मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस बार एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट राजस्थान के चुनावों के अंदर है कि राजस्थान को हर तरह से आगे लेकर आना है, पिछले 5 साल की भरपाई करनी है।